हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है डेटा रोमिंग किस प्रकार से इनेबल एंड डिसेबल करते हैं वो बताऊंगी। और फ्रेंड्स, मेरे पास है मोटो का फ़ोन। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए थे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग्स का ओपन करना है एंड सेटिंग्स का ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आता है। तो आपको यहाँ देखिएगा नेटवर्क इंटरनेट, आप उस पर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद आपको यहाँ दिखता है डाटा यूजेस। और यहाँ से बैक करेंगे इसे और आपको यहाँ दिखता है मोबाइल नेटवर्क, आप उस पर क्लिक करेंगे। और इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में यहाँ पे देख सकते हैं और डेटा रोमिंग का ऑप्शन दिख जाता है, आप उस पर क्लिक करेंगे। और इस प्रकार से डिसेबल होता है, यानी कि आपका डेटा रोमिंग शो नहीं होगा। इस प्रकार से इस पर क्लिक करते हैं, अलाउ नेटवर्क पर क्लिक करते हैं, यहाँ से इस प्रकार से ओके पे क्लिक करते हैं तो अलाउ यानी कि पूरे ऑल नेटवर्क के लिए डाटा रोमिंग। एंड इसके बाद आप इस पर क्लिक करते हैं नॉर्मल, मतलब कि इस पर क्लिक करें नेशनल नेटवर्क, इस पर क्लिक करें तो आपका ऐसा हो जाएगा। मैं नेशनल क्लिक करके रखना चाहूँगी। तो इसी प्रकार से आप अपने फोन में डेटा रोमिंग को इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। इनेबल डिसेबल नहीं हुआ, इस प्रकार से इस पर क्लिक करते हैं आपका डिसेबल हो जाएगा, और इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इनेबल मतलब इनेबल हो जाएगा। तो ऑल नेटवर्क के लिए लगाना चाहेंगे या फिर नेशनल, तो मैंने नेशनल सेट कर रखी है। तो इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में डाटा रोमिंग को सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, तब तक नमस्कार।